हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। हम सभी जानते हैं कि ओट्स बहुत हेल्दी होते हैं हमारे लिए, तो चलिए आज बनाते हैं ओट्स एंड बनाना पैनकेक। द बेस्ट पार्ट ऑफ दीज पैनकेक्स इज कि ये कम्प्लीटली ग्लूटेन फ्री हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं एंड यमी टू। तो चलिए इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। हियर इज द लिस्ट ऑफ इन्ग्रीडियंट्स दैट वी विल बी नीडिंग। इन्हें बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़े से बोल में ले रही हूँ 1 कप ओट्स का आटा। सिंपली मैंने रोल्ड ओट्स लेके उसे मिक्सी में ग्राइंड करके उनका पाउडर कर लिया था, वही मैंने यहाँ पे यूज किया है और इसको छानने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक इट एज इज। इसमें मैं डालूंगी 1.5 चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 3 टेबल स्पून के करीब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जैगरी पाउडर। आप इसकी जगह ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच के करीब सिनेमन पाउडर। ये तो हो गए हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 बनानास, इनको मैं फॉर्क से इस तरीके से मैश कर लूंगी। आप चाहें तो ब्लेंडर जार में डाल के इसका प्यूरी भी बना सकते हैं। बनाना भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये अच्छे से मैश हो गए हैं, इनको मैं इसी बोल में डाल देती हूँ। ये मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम दूध डालेंगे। दिस इज रूम टेम्परेचर मिल्क ओनली। अब थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए हम ये पैनकेक का बैटर बना लेंगे। इस बैटर की कंसिस्टेंसी फ्री फ्लोइंग नहीं होगी, हल्का सा ही गाढ़ा बैटर ही रहेगा, ठीक जैसे हमारे उत्तपम का बैटर रहता है या डोसा बैटर से थोड़ा सा गाढ़ा। इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिल्क डाल रही हूँ, ताकि इसमें ना लम्स रहे और बैटर की कंसिस्टेंसी का हमें अंदाजा रहे। तो इस पूरे बैटर को बनाने के लिए मैंने लगभग 3/4 कप दूध का इस्तेमाल किया है। एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनके ये रेडी हो गया है। अब इन्हें बनाना शुरू करते हैं। अब इन्हें बनाने के लिए मैं एक गरम नॉनस्टिक तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ और मेजरिंग कप लेके ये बैटर इसके ऊपर डाल दूंगी। ध्यान रखिएगा कि आप बैटर को स्प्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ बैटर को तवे के ऊपर डालेंगे, वो अपने आप ही स्प्रेड हो जाएगा। अब इसको ढक के हम थोड़ी देर पकाएंगे, जब तक कि इसमें हम बबल्स देखने ना शुरू कर दें या फिर ये नीचे से हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। इन्हें ढक के पकाना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हें ढक के नहीं पकाएंगे ना, तो पैनकेक्स आपके फूलेंगे नहीं, बेकिंग पाउडर जो हमने इसमें डाला है वो रिएक्ट नहीं करेगा और पैनकेक्स एकदम फ्लैट रह जाएंगे अगर ये ढक के नहीं पकेंगे तो। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। This is the time to flip it over, पर carefully इसे flip करिएगा, क्योंकि ये gluten free है, हमने इसमें binding के लिए कोई और आटा नहीं डाला है, so these are very very soft. Carefully इन्हें flip कर दीजिए and look at this, कितना beautifully ये पका है। अब दूसरे side से भी हम इसे अच्छे से पका लेंगे, और जब एक बार ये हो जाएगा दोनों तरफ से अच्छे से brown, तो हम इसे निकाल के serve करेंगे। दूसरा पैनकेक भी मैं इसी तरीके से बना लूंगी। मेजरिंग कप का इस्तेमाल मैं यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ बैटर डालने के लिए, ताकि सारे पैनकेक्स मेरे एक ही साइज के बने। ये बैटर मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, स्प्रेड नहीं करना है और ढक के पकाना है। दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू मेक दीज पैनकेक्स, एंड आवर पैनकेक्स आर नाउ रेडी। लुक एट दिस, कितने अच्छे तरीके से ये फूल गए हैं। इनको गार्निश कीजिए कुछ बनानास के साथ। डू ट्राई दीज आउट, दे आर वेरी हेल्दी एंड वेरी डिलिशियस। आई एम श्योर यू वुड लव दिस रेसिपी। इफ यू लाइक वॉचिंग आर वीडियोज, डू लाइक शेयर एंड कमेंट।
Subscribe to Nurturing Homes and hit the bell icon next to it so you are notified whenever we upload our next one. इसके ऊपर मैं drizzle कर रही हूँ थोड़ा सा हनी. आप चाहें तो मेपल सिरप के साथ भी इसे enjoy कर सकते हैं. एक मिंस लीफ के साथ मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ एंड देयर यू गो. सो थैंक यू फॉर नाउ. कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन सून. बाय बाय.